दरबार साहब बारे तीसरे धमाके तो बाद एसजीपीसी प्रधान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सचखंड श्री दरबार साहब नज़दीक अज रात एक बार फिर धमाका होया ते पिछले 6 दिनों के तीन धमाके दरबार साहब के नज़दीक सुनने मिले, जिस तो बाद संगतां दे मनां विच डर दा माहौल देखने मिलिया। इस दौरान पत्रकारां नाल प्रेस वार्ता करदिआं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा सी कि दरबार साहब के नज़दीक हो रहे धमाकों की डूंघाई नाल सरकार नूं जांच करवाउणी चाहीदी है। प्रधान ने इन धमाकों ते सरकार का पूरी तरीके नाल फेलियर दस्या। उन्हां दस्या कि पंजाब विच कुछ अजिहियां ताकतां काम कर रही हैं जो धार्मिक भावनावां नाल खिलवाड़ करन दी कोशिश कर रही हैं। अते नाल ही प्रधान ने यह भी कहा कि इतिहास गवाह है कि जिसने भी गुरु घर नूं मत्था लाया है उसनों मिट्टी च ही रौलना पिया है। उन्होंने बोलते दस्या कि साढ़े SGPC के मुलाजम CCTV कैमरे चैक कर रहे हैं, उन्होंने नाल पुलिस भी CCTV कैमरे की मदद नाल मापिया नूं फड़न की कोशिश कर रही है। उन्होंने नाल पुलिस भी CCTV कैमरे की मदद नाल मुलजमान नूं फड़न की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों तो लगातार एक घटना वापर रही है। पहला सारागढ़ी सरां दे कोल एक धमाका होया, उस तो बाद फिर दूए दिन एक धमाका फिर होया जिहदे बारे तफतीश जिहड़ी डूंघाई च करनी बनदी सी। मैं उदण भी कहा सी कि इनू लाइटली नहीं लेना चाहिदा, इनू सीरियसली लैके इस गल नू डंगाई तक जाया जावे कि इन्हां दे पिछे जिहड़ा आ इह कीड़ी शक्ति आ जिहड़ी गलियारे दे विच साडी स्ट्रीट दे विच जिहड़ी इहो जिही उह इंडीकेशनां दे रहे आ। पर मैं कह सकदा इह सरकार दी टोटल फेलियर आ। जे इहनूं डंगाई दे नाल इहदी जांच कर ली जांदी ते शायद आ जिहड़ी रात घटना वापरी आ इह घटना ना वापरदी। तो मैनू एक होर भी भावना लगती आ कि पिछे कुछ समा इहो जिहा चलिया, वह सुख शांति नाल समा सारा जिहड़ा बतीत हो गया। यह मेरा ख्याल वो एपीसोड तो बाद दूआ एपीसोड शुरू हो गया। मैं रूल आउट नहीं करता ये पिछे केड़ियां शक्तियां आ, मैं हाले उन्हां बारे कोई क्योंकि अननोन ही हुंदे आ जिहड़े इहो जिहियां घिनौणियां हरकतां करदे आ गुरु घरां नाल संबंधित। पर मैं ये महसूस करदा भी इहदे पिछे कोई साजिश बहुत डूंघी आ जिहड़ी साजिश किसे वल नूं इशारा कर रही आ कि हालातां नूं किवें मुड़ गंधले करना। सो ये जिहड़ी रात घटना वापरी आ बहुत निंदणयोग ने, बहुत दुखदाई आ। ये गुरु रामदास पातशाह की पवित्र नगरी आ, इस पवित्र नगरी दे विच हर एक बंदा आके सुख शांति मांगदा ते सतगुरु जी सुख शांति प्रदान करदे आ। पर कुछ ताकतां जिहड़ियां उह इस धार्मिक भावना नाल भी खिलवाड़ कर जांदियां अपनियां पोलिटिकल एंड्स की पूर्ति लई। पर मैं कहना चाहुंदा कि गुरु दारिया इत्थे जिहड़ा चढ़ के आया वह गुरु साहब जी ने उहदा आप ही जिद्दां भी इतिहास गवाह आ उत्तर दित्ता। तो जो कोई दुखी हिरदे ना आके इस दर ते आके अरदास करदा सतगुरु जी उहदी दर दे उत्ते अरदास प्रवान भी करदे। ये नमाणियां दा घर आ, नेताणियां दा घर आ। सो अज रात ये तकरीबन 12:09 की घटना आ, और उस घटना दे विच जिस वेले ये इधरले पासे धमाका होया साढ़े जिहड़े मुंडे CC फुटेज वाले जिहड़े उत्थे कैमरियां ते बैठे आ उन्होंने ये सारा देख के अपनी जिहड़ी टीम सी उह सारी नठाई। पिछले पासे पहला उन्हें अंदर आके देखिया भी जिस बाशरूम दे विच क्योंकि CCTV कैमरे लगे आ वह बाशरूम सुक्का सी। उस तो बाद बाहरले पासे जाके देखिया धुआं सीगा, मेन बाइल पुलिस भी उधरों बाहरले पासे आ गई, उन्हें भी आके सारी जिन्नी भी पुछ पड़ताल। तो उस तो अलावा जिहड़े साडी टीम गई सी उन्हां नूं उत्थों कुछ टुकड़े कागजां दे जिहड़े ओह मिले,
ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਬਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਲੇ ਕੱਢੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ।